सिंपली आपको कैन मास्टर ओपन कर लेना। ओपन कर यहाँ से जाकर प्लस करके दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 9.16 का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सब कुछ मीडिया मीडिया जाने के बाद क्या करना, आपको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद देखिए फर्स्ट वाला जो वीडियो है, इस वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो वीडियो दिख रहा है सबसे पहले इस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए। इसको वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको इस तरह से यहाँ से डन कर देना है। ठीक है, इस तरह से डन कर दीजिए कि आपको इस जगह वो सही चलाएगा बैकग्राउंड वीडियो। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और सारा वहाँ जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए। जितना वीडियो इसमें जो चीज के हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड कर। डाउनलोड करने के यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है, और फिर से यहाँ पर मीडिया क्लिक कर देना। मीडिया क्लिक करना है तो फिर से वही जहाँ से डाउनलोड किए होंगे वहाँ चल जाएगा। उसके बाद क्या करना, सेकंड वाला वीडियो को सेलेक्ट कर लेना। इस वीडियो को सेलेक्ट कर लीजिए, इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, इसको भी डन कर देना। डन करने के बाद क्या करना, वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ देखिए इस आइकन दिख रहा है, इस पर यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने इसको फुल कर देना, स्क्रीन को फुल कर देना। फुल करने के बाद क्या करना, फिर इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करके नीचे आएगा तो यहाँ पर देखिए आपको कलर क्या करना, नीचे आएगा तो यहाँ देखिए आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दिए। यहाँ से स्क्रीन को सेलेक्ट कर लेना, इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना, आपको फिर से यहाँ पर लेयर पर चल जाना है, आपको फिर से मीडिया पर चल जाना है। मीडिया जाने के कारण आपके पास जो इमेज होना चाहिए, जो आपको PNG में होना चाहिए, तो देखिए इमेज को हम इस लड़के वाला इमेज को हम सेलेक्ट किए हुए हैं, आपको भी एक इमेज को सेलेक्ट करना है। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसके यहाँ साइज को थोड़ा छोटा करके बड़ा करके, और इसके यहाँ पर एडजस्ट इस तरह से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, चलिए एडजस्ट हो गया। एडजस्ट होने के बाद क्या करना है, फिर से लेयर पर क्लिक करना है, फिर से आपको मीडिया पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको वही डाउनलोड में चल जाना है, और जो लास्ट वाला सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा जो वीडियो है, उस वीडियो के यहाँ सेलेक्ट, तीन वीडियो आपको मिलेगा, तीनों वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कर इसको यहाँ सेलेक्ट करिए। जो वीडियो होगा एक कलरफुल वीडियो होगा, यानी कि इसमें कलर रहेगा, इसको भी क्या करना है, स्क्रीन को फुल कर देना। इसे क्लिक करिए और यहाँ से स्क्रीन को फुल कर दीजिए। फुल करने के बाद क्या करना है, कलर वाला जो वीडियो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसको भी चल जाए ब्लेंडिंग में, फिर से ब्लेंडिंग में चल जाइए, और जाने के बाद इसको भी स्क्रीन को इस तरह से सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करना, इसमें म्यूजिक लगाने के यहाँ से ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से ऑडियो क्लिक करिएगा, यहाँ से आपको म्यूजिक का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से बहुत सारा म्यूजिक आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ऑलरेडी हम बैकग्राउंड में इसमें जो म्यूजिक लगाए हुए हैं, आपको म्यूजिक लगाने जरूरी नहीं पड़ेगा, ऐसे आप लगा सकते हैं, दूसरा म्यूजिक लगाने से लगा सकते हैं। चलिए वीडियो को प्ले करके आपको दिखाते हैं किस तरह से वीडियो बना। देखिए कितना बेहतरीन वीडियो बन चुका है, और आपको इस साउंड आपको सुनाने देगा, क्योंकि मैं इसमें माइक लगाए हुए थे, इससे आपको साइड सुनाने सुनाई नहीं देगा। क्योंकि फर्स्ट में जो शुरू में आपको पता चल गया किस तरह कौन सा साउंड इसमें लगा हुआ है, आप जाकर इसको इस तरह से वीडियो बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छे से वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन का ऑल दबा दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो डालते रहते हैं, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज के लिए धन्यवाद।